हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान से गुजरात जा रही 40 लाख की अंग्रेजी शराब बरामद। मावल चौकी पर रिको पुलिस की कार्रवाई। ट्रक में गेहूं के कट्टों के पीछे छिपाकर ले जाई जा रही थी शराब। ट्रक चालक को किया गिरफ्तार। राजस्थान से गुजरात ले जाई जा रही अंग्रेजी शराब की खेप मावल चौकी पर रिको पुलिस द्वारा बरामद की गई। गेहूं के कट्टों के पीछे छिपाकर ले जाई जा रही हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब की 400 कार्टन बरामद किए गए। साथ ही बाड़मेर निवासी ट्रक चालक को गिरफ्तार किया। बरामद की गई शराब का मूल्य करीब 40 लाख रुपए व ट्रक का मूल्य करीब 5 लाख रुपए आंका गया है। एसपी श्रीमती पूजा अवाना की ओर से गुजरात में की जा रही अवैध शराब तस्करी की रोकथाम व वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मिलन कुमार जोहिया व डीसीपी प्रवीण कुमार के सुपरविजन में थाना अधिकारी रण सिंह सोड़ा के नेतृत्व में टीम गठित की गई। हेड कांस्टेबल देवाराम, कांस्टेबल जगाराम व महेंद्र सिंह द्वारा आबूरोड पालनपुर हाईवे पर मावल पुलिस चौकी के सामने नाकाबंदी की गई। वाहनों की जांच की जा रही है। इसी दौरान मुखबिर सूचना पर आबूरोड से गुजरात जा रहे ट्रक RJ39GA2642 को रुकवाया गया। ट्रक को चेक किया गया। जांच के दौरान ट्रक में गेहूं के कट्टों के नीचे छिपाकर ले जाए जा रही हरियाणा निर्मित अलग अलग ब्रांड की शराब पाई गई। पुलिस ने एपिसोड गोल्ड विस्की व मैकडॉनल्ड विस्की अंग्रेजी शराब के 400 कार्टन बरामद किए गए। ट्रक को जब्त किया गया। ट्रक चालक बाड़मेर के चौटन थाना के सावलोर निवासी विजय कुमार पुत्र बाबूलाल नाई को गिरफ्तार किया गया। आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई। जब्त शुदा वाहन पर शराब की अनुमानित कीमत 45 लाख रुपए आंकी गई है। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए रान सिंह सोड़ा निरीक्षक रिको थाना आबू रोड इन्होंने ये कहा। एक ट्रक शराब से भरा हुआ बरामद किया गया है जो हरियाणा से गुजरात शराब ले जा रही थी। जो 400 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब है उसको बरामद करके एक अभियुक्त को अरेस्ट किया गया। कितनी लागत होगी सर? करीब 40 लाख रुपए की कीमत की शराब। कितनी शराब है सर? 400 कार्टन शराब। जागरूक टीवी के लिए आबू रोड से मनोज चौरसिया की रिपोर्ट।